दोस्तों ये है ई रिक्शा चार्जर का ट्रांसफार्मर, ठीक है। आप देख सकते हो इस वीडियो में, ये है ई रिक्शा चार्जर का ट्रांसफार्मर। और आज मैं इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इसका डेटा और इसका रिवाइंडिंग करने का तरीका। दोस्तों यूट्यूब में बहुत सारे दोस्तों ने रिवाइंडिंग करने का तरीका तो आपको बता देते हैं, लेकिन जो डेटा होते हैं वो गलत डेटा देते हैं। मैं 100% दावा के साथ आपको बोल सकता हूँ कि वो लोग गलत डेटा देता है, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूँगा दोस्तों, मैं आपको ओरिजिनल डेटा दूंगा। तो दोस्तों आज मैं जो वीडियो बना रहा हूँ आपको, इसमें ओरिजिनल डेटा देने वाला हूँ। आप वीडियो को पूरा देखो, आप ही का फायदा है, मुझे कोई फर्क नहीं है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं सही डाटा दूंगा आपको, ओरिजिनल डाटा दूंगा। तो दोस्तों आप वीडियो को देखो, मैं आपको आगे बताता हूँ, रिवाइंडिंग करने का तरीका भी बताता हूँ और इसका जो ओरिजिनल डेटा है मैं ओरिजिनल डेटा आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको इस आर्मेचर को, जो स्टार्टर है, इसको आपको फिलिंग पेपर से लपेट देना है। जो सीलिंग फैन के फिलिंग पेपर होते हैं उसे लपेट देना है और उसके ऊपर आपको कॉटन टेप से लपेट देना है, ठीक है। अगर आपके पास कॉटन टेप नहीं है तो आप जो धोती होते हैं, धोती कपड़ा से भी आप लपेट सकते हो, ठीक है। और ये वायर आप देख रहे हो, ये SWG 18 है, इसका नंबर 18 है, ठीक है। आपको 18 नंबर का 350 ग्राम वायर लेना है, ये प्राइमरी के लिए है 350 ग्राम, ठीक है। आपको बाद में मैं बताऊंगा कि अब कौन सा SWG लेना है सेकेंडरी के लिए। तो आप देख सकते हो मैंने इसको कुछ देर तक लपेट चुका हूँ, लेकिन आपको मैं अच्छा से समझा दूंगा, आप चिंता मत कीजिए, आपको लपेटना भी दिखाऊंगा किस तरह से लपेटते हैं। तो ये जो वायर आप देख रहे हो, ये न्यूट्रल वायर है, ये स्टार्टिंग वायर है, इसका मैं स्टार्टिंग लूप निकाल के रखा हूँ, ये न्यूट्रल इनपुट होगा इसमें, आप देख सकते हो। और यहाँ से मैंने लपेटना स्टार्ट किया हूँ और बाद में आपको गिनना है। सबसे पहले आपको 300 तक आपको रिवाइंडिंग करना है, टर्न जो है 300 देना है, उसके बाद फिर से एक लूप निकाल लेना है। आपको आगे मैं सारा चीज़ बताऊँगा, पहले बता देता हूँ। तो आपको क्या करना है, देखिए मैंने 5-5 करके मैंने इसको टर्न दे के रखा हूँ ताकि गिनने में मुझे आसान हो। तो 5-5 करके आप देख सकते हो, मैंने यहाँ जो टर्न दिया हूँ इस तरह से मैंने दिया हूँ, क्योंकि बाद में मुझे गिनना है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, 300 टर्न्स यहाँ पर देना है। 300 टर्न देने के बाद फिर से एक लूप निकालना है, ये फर्स्ट लूप है न्यूट्रल वाला, तो मुझे सेकेंड लूप जो है 300 टर्न्स देने के बाद फिर से एक लूप निकालना है। और आगे मैं बताऊंगा कि कितना टर्न देने के बाद कौन सा लूप निकालते हैं। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं इसका टर्न। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो इस लकड़ी को मैंने इस तरह से उठाया और किस तरह से रिवाइंडिंग करते हैं आप थोड़ा देख लीजिए। देखिए मैंने 5-5 करके टर्न्स दिया हूँ और इसी तरह मैं टर्न्स देते रहूँगा। तो आपको ये लकड़ी जो है आपको अंदर से इस तरह से घुसाना है फ्रेंड्स, और इस तरह से आपको निकाल लेना है जैसे कि मैं निकाल रहा हूँ, देखिए। और आपको इस रिवाइंडिंग को टाइट करके करना है ताकि ये वाइब्रेशन ना हो, अगर वाइब्रेशन होगा तो ये काम अच्छा नहीं करेगा। तो दोस्तों इस तरह से रिवाइंडिंग करना है, देखिए इसको मैं फिर से उठाऊंगा और इसको टाइट करके करने वाला हूँ, देखिए। और फिर मैं अंदर से इसको घुसाऊंगा, देखिए इस तरह से अंदर में घुसाना है, एक तरह से घुसाना है और एक तरह से बाहर निकालना है। ये फटाफट हो जाएगा फ्रेंड्स, मैं आपको वीडियो बना रहा हूँ, एक हाथ से कर रहा हूँ, इसलिए हमें थोड़ा दिक्कत हो रहा है फिर आपको दिखाने के लिए। तो दोस्तों इस तरह से देखिए मैं किस तरह से रिवाइंडिंग कर रहा हूँ, आप देखते रहिए। फिर से इसको अंदर से डालना है और इधर से निकाल लेना है, देखिए इस तरह से आपको करते जाना है। आप, मैं 5-5 करके कर रहा हूँ, आप 10-10 भी कर सकते हो, ठीक है, वो आपका मर्ज़ी, लेकिन मैं 5-5 करके हैं, मुझे अच्छा लग रहा है इसलिए मैं कर रहा हूँ। देखिए ये 4 टर्न हो चुका है, ठीक है। इसी तरह से हमको क्या करना है, अभी 300 टर्न तक मुझे गिन कर ले जाना है, उसके बाद एक फिर से लूप निकालना है। मैं आपको आगे बताऊँगा कि इसमें कितना लूप निकलेगा, सारा चीज़ मैं बताऊँगा, आप मेरे वीडियो को पूरा देखिए। देखिए 5 टर्न हो गया, ठीक है। इस तरह से आपको रिवाइंडिंग करना है 5-5 करके, देखिए ये 5 टर्न हो चुका है। मैंने इसको 5 बार लपेट दिया हूँ फ्रेंड्स, देख सकते हो। अब हमको क्या करना है, देखिए इसको, देखिए यहाँ जो आप देख सकते हो इसको थोड़ा फिर से छोड़ देना है। देखिए मैं छोड़ दिया यहाँ पर, और देखिए यहाँ पर मैं किस तरह से सटा रहा हूँ, देखिए यहाँ पर फिर आके यहाँ सट जाना चाहिए। और मैं देखिए इस तरह से अंदर में डाल रहा हूँ और इस तरह से बाहर निकाल रहा हूँ, इसी तरह से आपको
निकाल लेना है, देख सकते हो आप इस तरह से, लेकिन आपको टाइट करना है, ध्यान रखिएगा, आपको ढीला नहीं रखना है, फुल टाइट करना है, तभी ये अच्छा से काम करेगा। देखिए फिर से दो टर्न हो चुका है मेरा, देखिए। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो फिर से मेरा 5 टर्न हो गया। तो इसी तरफ से हमको लपेटते जाना है 300 टर्न तक, ठीक है। जैसे ही 300 टर्न हो जाएगा तो फिर मुझे एक लूप निकालना है, तो मैं आपको आगे बताता हूँ, नहीं तो वीडियो बड़ा हो जाएगा। चलिए, सो फ्रेंड्स, अब देख सकते हो मेरा अभी 300 टर्न कंप्लीट नहीं हुआ है, 144 टर्न हुआ है, 144 टर्न्स में ही ये पूरा भर गया है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको ऊपर धोती कपड़ा या तो कॉटन टेप से लपेटेंगे पहले। सो फ्रेंड्स, अब देख सकते हो मैंने इसमें कपड़ा लपेट दिया, ठीक है। अब इसमें फिर से मैं रिवाइंडिंग करना शुरू करेंगे। सो फ्रेंड्स, इसका जो 300 टर्न होना था वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसका लूप निकालेंगे, तो लूप किस तरह से निकालना है और आगे कितना टर्न देना है और कितना लूप निकालना है, सारा चीज़ मैं आपको अभी बताता हूँ। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो लीड निकालने के लिए इस तरह से आपको मोड़ लेना है, ठीक है। देखिए मैंने इस तरह से मोड़ लिया, और आपको इस तरह से पाइप लेना है, ठीक है, और इसको माप लेना है आपको कि कितना बड़ा लाएगा। तो हम देखिए इस तरह से आपको काट लेना है पाइप को, और इसको अंदर डाल देना है, दिखा रहा हूँ आपको, जैसे देखिए इस तरह से अंदर आपको डाल देना है, जैसे मैं डाल रहा हूँ। तो अब देख सकते हो फ्रेंड्स, इस तरह से अंदर डाल ले रहे हैं, और इसको इस तरह से रखना है। अब हमको फिर से हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, फिर से हम लपेटना स्टार्ट करेंगे, लेकिन अब आपको 7 लूप और निकालना है, इसको छोड़ के 7 लूप और निकालना है आपको। तो 7 लूप आपको 16 लूप करके देना है, हर लूप में 16 टर्न देना है आपको, 16 टर्न बाद फिर एक लूप निकलेगा, फिर 16 टर्न देना है, फिर एक लूप निकलेगा, इस तरह आपको और 7 लूप निकालना है। सो फ्रेंड्स, मैं जल्दी जल्दी से टर्न देकर आपको दिखाता हूँ। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो मैंने कंप्लीट कर लिया, जो प्राइमरी वाइंडिंग था मैंने कंप्लीट कर दिया, और आपको अभी दिखा देता हूँ। जो ये फर्स्ट लूप निकला था, ये 8 नंबर होगा, और ये लास्ट लूप निकला है जो सिंगल वायर है, ये 1 नंबर होगा। तो आप देख सकते हो कितना लूप मैंने निकाला, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो इधर 8 लूप निकला है फ्रेंड्स। और यहाँ मैंने स्टार्टिंग किया था, ये सिंगल लूप, ये जो है शुरुआत किया था मैंने, तो ये न्यूट्रल के लिए है, और ये न्यूट्रल इनपुट होगा यहाँ पर, और यहाँ पर जो है फेज इनपुट होगा। तो प्राइमरी वाइंडिंग कंप्लीट हो चुका है फ्रेंड्स। अब हम इसका पार्ट 2 बनाएंगे, जो इसको ऊपर फिर से मैं धोती कपड़ा लपेटेंगे या तो मैं कॉटन टेप लपेटेंगे, और उसके बाद मैं इस आपको बताऊंगा कि जो सेकेंडरी वाइंडिंग होते हैं वो किस तरह से होते हैं, तो मैं आपको पार्ट 2 में दिखाएंगे। तो आप वीडियो को लाइक करना दोस्तों, क्योंकि बहुत ही मेहनत करके वीडियो बनाता हूँ।